Oh, very good morning to dear students welcome to english class this is the lesson 10 of your mulberry book the emperor and the night angle yes students in the starting of this chapter there is an activity uh, starting of this activity list three natural and three man-made sources uh, of light discuss their advantage and disadvantage here students of course टू बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें नेचुरल सोर्सेस और मैन मेड सॉसेज को आपको वहाँ पर मेंशन करने हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू यस स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लाइट के सोर्सेस जो नेचुरल सोर्सेस हैं और मैन मेड सॉसेज हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं उनके एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज पहले आपको नेम मैंशन करने हैं लाइट के सोर्सेज और फिर डिस्कस करेंगे द एडवांटेज और एंड डिस ऑफ दीज ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स कम टू द चैप्टर द एम्पायर एंड द नाइट एंगल यस स्टूडेंट्स दिस इज द चैप्टर अबाउट अ एम्पायर एंड द नाइट एंगल नाइट एंगल इज अ बर्ड एंड एम्पायर इज अंग ओके okay? ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स वो एक नाइट एंगल एक बर्ड की और एक किंग के बारे में स्टोरी है लेट्स रीड द स्टोरी द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू हैपन इन चाइना अ ग्रेट मैनी ईयर्स एगो यहाँ जो स्टोरी है मैं सुनाने जा रही हूँ वो है आपका चाइना के बहुत साल पहले चाइना की एक स्टोरी है द एम्पायरस पैलेस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल इन द वर्ल्ड जो एम्पायर था एम्पायर स्टूडेंट्स किंग का जो पैलेस था वो बहुत ही सुंदर था वर्ल्ड में इट वॉज बिल्ड एंटायरली ऑफ पॉरे एंटायरली ऑफ पॉरेक्लेन पॉरिकलिन स्टूडेंट मीन्स दे वाइट सब्सटेंस मेड ऑफ क्ले यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव थिंग्स तो जो पैलेस था वो वाइट सब्सटेंस का वाइट पॉरिकलन का बना हुआ था द गार्डन हैड द लवलीस्ट ऑफ फ्लावर्स एंड बियॉन्ड इट देयर वॉज अ फॉरेस्ट विद लॉफ्टी ट्रीज डेट स्टॉप्ड डाउन टू द डीप ब्लू सी तो स्टूडेंट जो वहाँ का गार्डन था वो लवली फ्लावर से भरा हुआ था जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे बहुत ही लॉफ्टी ट्रीज थे लॉफ्टी मीन्स हाई हाइट के बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज थे इन वन ऑफ दीज ट्रीज लिव्ड अ नाइट एंगल उनमें से एक ट्रीपर नाइट एंगल रहती थी हु सो ब्यूटीफुल डैट इवन द फिशरमैन हैड सो मैनी अदर थिंगस टू डू वुड स्टॉप एंड लेसन तो जो वो नाइट एंगल थी इतना सुंदर गाती थी कि जो फिशरमैन वगैरह थे वहाँ के तो वो सब अपना काम करना बंद कर देते थे और नाइट एंगल को ही सुनने लगते थे ट्रेवलर्स फ्राम एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड केम टू द एम्पायर ब्यूटिफुल सिटी एंड ऑन देयर रिटर्न होम दे ब्रॉड बुक्स डिस्क्राइबिंग द नाइट एंगल एज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल सम ऑफ़ दिज केम इन टू देंड्स ऑफ द एम्पायर जो ट्रैवलर्स थे उसके पैलेस को दूर दूर से घूमने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग आते थे तो वो सब अपने बाद में डिस्क्राइब करके जाते थे बुक में कि इस पैलेस में इस उस में सबसे ब्यूटिफुल थिंग जो है वो नाइट एंगल है अब जैसे ही राजा को एम्पायर को पता चला व्हाट इज दिस आई नो नथिंग ऑफ एनी नाइट एंगल मैं किसी नाइट एंगल को नहीं जानता सम थिंग इट एपियर्स मे बी लर्न फ्रॉम बुक्स मे भी हो सकता है जो ट्रेवलर्स आए थे वो सब के सब उन्होंने ऐसे ही इधर उधर से सुना होगा एंड देन डिस्क्राइब कर दिया होगा नाइट एंगल को तो जो एम्पायर था तो उसके पैलेस में ही नाइट एंगल रहती थी फॉरेस्ट में और उसको पता ही नहीं था कि वो बहुत ही अच्छा गाती है है न तो नाइट एंगल के बारे में तो एम्पायर कहता कि मुझे नहीं पता है ओके Then he called one of his lords in waiting or and ordered him to bring the nightingale to the palace. Then जो राजा था उन्होंने क्या किया अपने lords को अपना order दिया कि nightingale को palace में लेकर आओ My song

पैलेस को बहुत 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 ही ही एलिगेंटली, सुंदर तरीके से से डेकोरेट किया गया। जो जो वॉल्स थे थे थे, और बने हुए उन सारे के द्वारा उनको डेकोरेट किया गया इन द सेंटर ऑफ द ग्रेट हॉल अ गोल्डन पर्च हैड बीन फिक्स्ड फॉर द लिटिल टू सिट ऑन और वहाँ पर हॉल में एक गोल्डन पर्च पर एक प्लेस बनाया गया जहाँ पर नाइट एंगल को बिठाया जाएगा तो ऐसे वहाँ पर उसके लिए ओकेजन पर तैयारी की गई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू द नाइट एंगल सेंग सो स्वीटली दियर्स केम इन टू द एम्पैर आईज एंड दे रोल डाउन हिस् चिक्स एंड द संग ट एवरी वन हार्ट जो नाइट एंगल थी उसने बहुत सुंदर गाया था स्वीट गाया था कि जो टीयर्स थे एम्पायर के आइज से उनके चीक्स पर रोल करने लगे वो सभी के हार्ट को टच किया द एम्पायर डिक्रे डेट द नाइट एंगल वॉज़ टू रिमेन एट द कॉट टू हैव हर ओन केस विद द लिबर्टी टू गो आउट ट्वाइस अ डे एंड वंस ड्यूरिंग द नाइट अब एम्पायर ने क्या डिक्लेयर किया एम्पायर ने ऑर्डर दिया कि जो नाइटिंगल है उसको हमेशा कोर्ट में रहना होगा उसको एक केस के अंदर और उसको लिबर्टी होगी लिबर्टी मींस फ्रीडम होगी बस डे में ट्वाइस टाइम वो बाहर जा सकती है एंड नाइट में वन टाइम ट्वेल्व अटेंडेंट्स वर्क अपॉइंटेड टू तो बी विद हर ऑन दिस ओकेजन और ट्वेल्व अटेंडेंट्स को अपॉइंट किया गया इस ओकेजन के लिए ईच हेल्ड हर बाई अ सिल्क इन स्ट्रिंग फास्ट एंड टू हर लेग और सिल्क इन स्ट्रिंग की उसके लेग्स पर बांध दी गई देअर वज सर्टनली नॉट मच प्लेजर इन दिस काइंड ऑफ फ्लाइंग ऐसे स्टूडेंट्स अब किसी के लैग में कुछ चीज़ बांध देंगे तो उसको फ्रीडम है, उसको फ्लाइंग करने में अच्छा कोई लगेगा तो ऐसे ही नाइट एंगल को अच्छा नहीं लगता था one day the emperor received a gift from the emperor of japan ek japan ke china emperor ko gift diya it was artificial nightingale covered all over with diamonds rubies and सेफे और जो नाइटेंगल थी उसको बहुत आर्टिफिशियल नाइटेंगल थी और वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसको डायमंड से रूबी से वैल्यूएबल प्रीशियस स्टोन से उसको डेकोरेट किया गया था एज सुन एज द क्लॉक वर्क बर्ड वॉज वाउंड अप इट कुड सिंग लाइक द रियल वन बट विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड इट कुड मूव इट्स ग्लीटरिंग टेल अप एंड डाउन तो जो नाइटेंगल uh, थी आर्टिफिशियल नाइटेंगल बर्ड थी वो जैसे ही क्लॉक के अकॉर्डिंग वो एकदम से सिंक करती थी और बिल्कुल रियल नाइटेंगल की तरह वो सिंक करती थी एंड और जब वो सिंक करती थी तो उसकी जो ग्लिटरिंग टेल थी वो भी अप एंड डाउन उसके साथ साथ मूव करती थी दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एक्सक्लेम्ड ऑल हु साइट और जिस किसी ने भी उसको देखा सबके सब बहुत एक्साइट हुए और खुश हो गए सो द आर्टिफिशियल बर्ड वॉज़ प्लेस्ड ऑन अ सिल्क क्वेश्चन आर्टिफिशियल बर्ड को सिल्क क्वेश्चन पर रख दिया गया नो वन नोटिस डैट और इस बीच में किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि जो नाइटेंगल थी वो अपने केस से विंडोज़ का ओपन रह गया और वहाँ से वो उड़ गई स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल स्टॉप हेयर वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू हैव अ नाइस डे